खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कराची के अंदर ही होंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस वीडियो को देखे होंगे। अच्छा, मैंने अपनी यूट्यूब के अंदर देखा, जब मैंने वीडियो को एनालाइज किया तो ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइबर जो थे उनकी ज़्यादा थी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियोज देखते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा कराची की स्टोरी, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया अपने 16-18 साल की करियर। कुछ नहीं पता कि लाइट कब चली जाए। और यह है कि हम लोग कराची में इतने मसरूफ़ क्यों हैं। देखिए, हम जो मसरूफ़ हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों पे लगाया गया है, पानी, गैस, बिजली, सेवरेज, इस पर बैंकों की लाइन, फ्यूल की। देखें, हमें इतना मसरूफ़ कर दिया गया है कि हमें कुछ होश ही नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम क्या करें, बस यही रूटीन है कि आ रहे हैं घर पे, सोते हैं, ठीक है, खैर खैरियत लेते हैं, जाते हैं, फिर काम की टेंशन, फिर इस चीज़ की टेंशन, फिर इस चीज़ की टेंशन। हमारे पास सारी टेंशन है। जो शहर है ना, मैं इस शहर से बहुत प्यार करता हूँ और ये शहर है तो दिल वालों का, ये तो आप सबको पता है। कराची जब चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। अल्लाह ना करे कराची को दीवार से लगा दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान के हर हर सूबे से आवाज़ आएगी। तो देखें, जब हमारा शहर चलता है तो पूरा शहर चलता है। और हम ये नहीं बोल रहे कि हर, मतलब कि हमारे ही शहर से सब कुछ है, हर सूबे के हर इलाके से हमारा ये है, पर हमें किन किन चीज़ों पे उलझाया गया है, ज़बान, फिरका, मसलक, सियासत, तो इसकी चीज़ देखो, इसकी चीज़ नहीं देखो, इसकी चीज़ देखो, इसकी चीज़ नहीं करो, उसकी चीज़ करो, तो हम सबको इतना मसरूफ़ कर दिया गया है। जबकि हम लोग जो है ना, हम लोग इतनी टेंशनों के बाद फिर भी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं अभी आपको करंट इशू बताता हूँ। मैच चल रहा था स्टेडियम के अंदर, T20 पाक वर्सेस इंग्लैंड। तो सीन ये था कि चार या तीन मैच हुए, आई थिंक, तो स्टेडियम फुल का फुल था। इतनी सिक्योरिटी थी कि जैसे कोई पाकिस्तान बनाने की कोई, मतलब कि कागजात इस ऊपर बनाने के कोई कागजात वगैरह साइन हो गए, इतनी सिक्योरिटी। अच्छी बात है क्योंकि ये हमारा फर्ज है उनको सिक्योरिटी देना, क्योंकि वही इंटरनेशनल क्रिकेट अभी कुछ टाइम से बहाल हुआ है। तो हमने उनको इतनी सिक्योरिटी दी है और अच्छी बात है, इतनी सिक्योरिटी देखें। उसमें भी जो शायकीन, जो स्टेडियम के अंदर ऑडियंस होगी वो इतनी ऐसी थी कि कुछ आते वक्त मोबाइल से नहीं, कुछ के जाते वक्त मोबाइल से। इसी में एक सिलसिला ये हुआ कि स्टेडियम में मैच चल रहा था तो थोड़ा ही सही स्टेडियम से आगे एक बंदे को मार दिया गया। उनसे बताया ये जा रहा है कि स्टेडियम से थोड़ा सा दूर उसको मार दिया गया है। तो बेस्ट है कि बस आप लोग थोड़ा एहतियात रखें। और मेरी उन चोरों भाइयों से रिक्वेस्ट है, चोर भाई, हम लोगों को जीने दें, हमें खुल के जीने दें, क्योंकि हम लोग हैं खुल के जीने वाले लोग। आप जितना जुर्म हमारे साथ करते रहेंगे पर हम फिर भी आवाज़ उठाएंगे और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें जीने दें। और जब मैं सऊदी अरब से जब मैं आया हूँ तो मैं आपको लिटरली बता दूँ, जब मैं अरब से किसी ने रोका नहीं कि यार तुम तो हमारे मतलब कि नेशनलिटी हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है, उन्होंने नहीं रोका, ना यहाँ पे किसी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो उन्होंने किसी ने ये नहीं पूछा, चुपचाप आए हूँ और अपने शहर में रह रहा हूँ। तो जब से मैंने ऑब्जर्व अभी तक ये कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोग करण इस साल के अंदर तक 2023 आने वाला है, अब थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं कि अब दुनिया चेंज हो गई है, अब तो इतने दुनिया पूरी चेंज हो गई है। तो आप लोग अपने आप को भी चेंज करें, अपने दिमाग को, अपनी ख्यालात को, अपनी सोचों को चेंज करें और बच्चों को अपने इस काबिल बनाएं कि अपना काम करें और अपने काम से काम करें और अपने अंदर इतनी तरक्की ले आएं कि हमें किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हमें वो नहीं दे रहा, हमें ये नहीं दे रहा। हमें इस चीज़ को, अब मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। कब तक हम बैठक लगाएंगे, कब तक हम उस कौमियत की बात करेंगे, कब तक हम उस मसलक की बात करेंगे, कब तक हम उस सियासी पार्टी की बात करेंगे, कब तक हम उस बंदे की बात करेंगे, यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने हमारे लिए ये नहीं किया। तो भाई अब का जो दौर आ रहा है, अब इस चीज़ को ख़त्म करें और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। बराए मेहरबानी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो भाई हमें इस शहर और इस पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो अब ये सारी चीज़ें भूल जाएँ और छोड़ दें कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये करते साथ कितने सारे दोस्त हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सरायकी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, पठान भी हैं, मतलब कि सब इतने अच्छे हैं कि मैं तक, यार ये कोई दूसरी ज़बान का बंदा है, या ये कोई दूसरी ज़बान का बंदा है। हम लोग बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, अफगानियों के साथ इतना मतलब कि अच्छा हमारा है, पर फिर भी वो मतलब कि करते रहते हैं कि यार, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार हम लोग को जो भी हो यार, चोर भाई जो भी हो यार, देखो आप एक गोली मार देते हो,
आप ये नहीं, मतलब कि शायद आप सोचते भी होगी यार पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है, मैं नहीं जानता, ये तो अल्लाह को ही पता है कि क्या मतलब कि आप किस मजबूरी के तहत कर रहे हो। पर मैं ये सोचता हूँ कि जब यार आप एक मोबाइल ले गए, चलो मोबाइल 1 लाख का ले गए, 1 लाख फिर कर लेंगे, अब 1 लाख वाले का ये नहीं पता होगा कि उसने लोन लेके मोबाइल खरीदा होगा, कर्ज लेके खरीदा होगा, बीसीदारी होगी या बोनस मिला होगा कंपनी से या पता नहीं, वॉट एवर जो भी है, चलो उसने एक मोबाइल खरीदा, आप मोबाइल ले गए, तो यार मोबाइल ले जाओ तो मतलब कि आप मोबाइल ले लिया आपने, फिर भी उसको गोली भी मार दी, फिर मतलब कि यार आप क्या मतलब कि हमें यार छोड़ दो यार, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। बड़ा दिल दुखता है कि यार अब एक टाइम था कि ना हम जब स्कूल जाते थे तो सुनते थे इसको मार दिया उसको मार दिया, तो वो उसमें भी डर लगता था कि यार पता नहीं क्या हो गया हमारे शहर को ना, चेंज आया कि मतलब कि हमने उस चेंज के बाद 14 अगस्त भी खुल के मनाया, पूरा सही तरीके से सेलिब्रेट करते थे हर चीज़ को, ईद को भी, बकरीद को भी, हर चीज़ को फुल मतलब खुले दिल के साथ, जो होता है ना खुले दिल के साथ बता देते कि लोगों के भाई ये कराची है और ये शहर है, तो फिर दूसरे सूबों के, दूसरे मतलब के मुल्कों के लोग हम हमारे शहर की तारीफ करते थे, पाकिस्तान की तारीफ करते थे। अब ये चीज़ें करते हैं तो भाई यार लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर यार जिसको आप मार के जा रहे हो ना उसकी फैमिली को आप देखोगे तो यार, वो मैंने उस फैमिली को जब देखा उस कंडीशन में देखा, मैं नहीं जानता था उनको वल्ला आलम, और ना मैं कोई इतना बड़ा कोई न्यूज़ एक्टर या न्यूज़ कास्टर नहीं था कि मैं उसकी जाके न्यूज़ बना सकूँ। मैं जैसे अपनी एक वीडियो बना रहा था, तो जब मैं उतरा हूँ स्टॉप के ऊपर वीडियो बना के ख़त्म करिए, तो भाई उन्होंने एहतजाज दिया हुआ करा हुआ था रोडों पे, रोड ब्लॉक किया हुआ था। मैंने बोला भाई क्या हो गया यार, खैरियत तो है, अभी तक तो खुला हुआ था। बोलने भाई अभी थोड़ी देर पहले बच्चे को उठा के ले गए, तो यार इतना मतलब कि दिल दुख हुआ। मैंने सिर्फ एक शॉर्ट मार के बनाया है, उसके बाद मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। मैं आपको बता दूँ यार, वो पेरेंट जो थे वो मतलब कि यार वो इतना दुखी थे ना, मैं आपको क्या बताऊं कि यार आप बस ये बोलता हूँ कि यार आप नहीं करो यार, ये छोड़ दो, हमें खुल के जीने दो, हम लोग बहुत बहुत बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत टेंशनों में फिर भी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमारी टीम आई, जबकि हमें उस टीम इंग्लैंड की टीम से हमें कोई इतना लेना देना नहीं था, फिर भी हमारे दिल का एक शौक था यार हम जाके देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी आप मतलब कि हम लोग देखने, ये दोबारा फिर करता हूँ, अपील करता हूँ, मतलब कि जो आप समझते ना कि बिल्कुल आजिज़ी के साथ करता हूँ कि यार हमें जीने दो और जीने दो और जीत के जीने दो, बस ये था अच्छा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट के साथ साथ मैं बोलता हूँ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुँच सके जो कि शायद शायद मैं ये नहीं बोलता कि वो मतलब कि नहीं सुन